अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं कुछ अलग तरीके से झटपट बनने वाली पम्पकिन की रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है कद्दू, तो इसको मैंने छोटे साइज में लिया है। अब इसको हम कट कर लेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैंने यहाँ पर कद्दू को कट कर लिया है दो भागों में। अब एक साइड में रख दूँगी आधा और बाद में ट्राई करूँगी। अब इसको हम तीन हिस्सों में कट कर लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करना है हमें, थोड़े मोटे मोटे पीस ही रखेंगे। तो चलिए अब इसको हम बीच में से इसको साफ़ कर लेते हैं, इसका बीज निकाल लेंगे और थोड़े थोड़े इसकी जो रेसेस हैं वो भी हम साफ़ कर लेंगे। तो इसको साफ़ करने के बाद इसके छिलके भी हम निकाल लेंगे। कई लोग छिलके के साथ बनाना पसंद करते हैं। अगर आपको छिलका पसंद है तो छिलका डाल सकते हैं, या फिर आप छिलका छिल करके भी बना सकते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे सभी पीसेस को छिलका जो है निकाल लिया है। अब इसको मैंने धो करके साइड कर लिया है इसको। अब हम लेंगे इसके पीस करेंगे। पीस भी जब करना है तो थोड़े से मोटे मोटे ही करेंगे, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका टाइम बच जाता है, क्योंकि आपको थोड़े मोटे मोटे करना है, बहुत ही जल्दी काट सकते हैं आप इसको, और ये बहुत ही जल्दी गल भी जाता है। तो इस तरीके से हम थोड़े मोटे मोटे पीस में इसको कट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करिए, आप लोग को बहुत पसंद आने वाला है ये पम्पकिन की रेसिपी, और बहुत ही झटपट बन जाता है। तो मैंने यहाँ कट करके साइड कर लिया है। अब चलिए इसको हम तैयार करते हैं, इसके लिए मसाला रेडी करते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे सरसों का तेल। हल्का सा गर्म कर लेंगे हम सरसों का तेल को, और इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच साबुत जीरा डालेंगे। आधी छोटी चम्मच डाल देंगे इसके अंदर। मैंने यहाँ पर ले लिया है मेथी, मेथी डाल देंगे। हाफ छोटी चम्मच के करीब मैंने लिया है यहाँ पर हींग, हींग डाल देंगे इसके अंदर। हल्का सा भून लेंगे, करीब 5 से 10 सेकंड के लिए इसको भून लीजिए। इसके बाद अच्छे से भून जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे, मैंने यहाँ पे ले लिया है अदरक चॉप किया हुआ, इसे डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा आपका टेस्ट आएगा पम्पकिन के अंदर। तो इसे डाल दीजिए। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया है चॉप किया हुआ हरा मिर्ची, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसे डाल दीजिए और अच्छे से भूनेंगे। जब अच्छे से अदरक भून जाएगा तब इसमें हम डाल देंगे कद्दू। इसे डाल दीजिए और इसको अच्छे से हम इसके अंदर मिक्स कर लेना है। जब अच्छे से मिक्स कर लें तो इसको हम ढक कर के रख देंगे करीब 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, चलिए इसको हम ढक कर के रख देते हैं। बीच में हो सके तो एक दो बार आप चला भी सकते हैं इसको। चलिए इसको ढक कर के रख देते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से ही हमारा जो है पम्पकिन अच्छे से फ्राई हो चुका है, यानी कि कद्दू। तो देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है देखने में। अभी ये लग रहा है कि ये अच्छे से ये पक चुका है, लेकिन अभी इसको थोड़ा हम और फ्राई करेंगे मसालों के साथ में। तो चलिए हम इस टाइम पे डाल देते हैं थोड़ा सा मसाला। तो सबसे पहले मैंने मसाला में लिया है यहाँ पर हाफ छोटी चम्मच मैंने लिया है धनिया पाउडर, हाफ छोटी चम्मच मैंने ले लिया है मिर्ची पाउडर, तीखा कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। हाफ छोटी चम्मच मैंने लिया है हल्दी पाउडर, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक चम्मच डाल दिया है गरम मसाला पाउडर। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे इसके अंदर और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा मसाला भी कुछ नहीं डालना है, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो जाएगा। आपके पास अगर अमचूर पाउडर है तो आप वो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, नहीं तो ऐसे भी बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी होगा। तो चलिए मिक्स करने के बाद इसको ढक करके रख देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट के बाद देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमारा यहाँ पे जो पम्पकिन है बनकर रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हमने चॉप किया हुआ धनिया पत्ता ऐड कर देना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। इसको डालेंगे और अच्छे से हम इसको जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो 1-2 मिनट के लिए इसको हम ढक करके भी थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं। तो बस हमारा यहाँ पर तैयार है बन करके, जैसे कि देख सकते हैं हमारा यहाँ पम्पकिन की बहुत ही बेहतरीन रेसिपी। तो चलिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ट्राई करिए और अपने घरों में सभी को बना करके खिलाइए। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। आप इसको पराठे या फिर रोटे के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इस रेसिपी को एंजॉय करिए और कमेंट करिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो इस तरीके से मेरे अच्छे अच्छे वीडियो को देखते रहिए और मुझे कमेंट करिए। आप पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलेंगे और अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।